सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट देखेंगे, नेविगेशन जो है फॉर्म हम बनाएंगे और इन सारे डिटेल्स को बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कि यहां से एक्सेस को ओपन करना है, तो यहां पर एक्सेस 2021 मेरे पास है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। आसानी होगी यहां पे कैलकुलेट करने के लिए, हम अलग से क्वेरी नहीं बनानी पड़ती है। तो यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे और जैसे ही जाते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने ये इस तरह की एक विंडो ओपन होती है। अब यहां पर ये डेटाबेस 254 आ रहा है, आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही रखता हूं और क्लिक करता हूं क्रिएट पर। तो जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सिनेरियो ऐसा आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहां से व्यू पे जाना है और डिजाइन व्यू पे जाना है। तो डिजाइन व्यू पे आते ही यहां पर एक टेबल बनती हुई नजर आएगी, तो यहां पर मैं इसे परचेज नाम दे देता हूं। क्या नाम दूंगा, परचेज। तो यहां पे कर दिया है परचेज टी, यानी टेबल परचेज टी का मतलब टेबल से है। तो अब इस तरीके से ओपन हो जाता है। दो व्यूज इसमें आपको दिखाई देंगे, दो फील्ड आपको दिखाई देंगे, एक तो आपका फील्ड नेम है और दूसरा डाटा टाइप, और यहां पे तीसरा डिस्क्रिप्शन भी है जो कि ऑप्शनल होता है। यहां पर आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर तो लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आईडी प्रोडक्ट की रहेगी और इसे देखिए यहां पर अलग अलग डेटा टाइप भी मेंशन है। देखिए कौन कौन से डेटा टाइप आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मिलते हैं, ये देखिए, ये शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट जो है, अगर पुराना वर्जन आप यूज करेंगे 2007 तो इसमें ये केवल टेक्स्ट रहेगा, फिर यहां नंबर है, फिर लार्ज नंबर है। तो एक्सेस 2007 में केवल नंबर रहेगा, डेट एंड टाइम रहेगा, एक्सटेंडेड नहीं रहेगा उसमें, करेंसी रहेगा, ऑटो नंबर रहेगा, यस और नो रहेगा, बाकी सारे डेटा टाइप तो रहेंगे, कैलकुलेटेड नहीं रहेगा, ठीक है, पुराने वर्जन में। तो यहां पर ये फायदा है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं और अंडरस्कोर लगा के लिखता हूं ये नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको क्वेरी बनानी पड़े एसक्यूएल व्यू में तो वहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हालांकि बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर यहां पर प्राइस की बात करेंगे, तो यहां पर प्राइस कर देते हैं, तो ये हो गया प्राइस। तो यहां पर प्राइस का डेटा टाइप क्या रहेगा, करेंसी रहेगा, क्योंकि प्राइस लिखेंगे तो करेंसी में आएगा, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं क्यू टी वाई, यानी क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। और क्वांटिटी का डेटा टाइप हम नंबर रखेंगे, और यहां पर नीचे आप आएंगे ना तो यहां पर आपको फील्ड प्रॉपर्टी में यहां पर फील्ड साइज मिलेगा, तो यहां पर आप इसे डबल बना दीजिएगा। डबल बनाएंगे तो आप डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर कर पाएंगे। अब यहां पर टोटल कॉस्ट के नाम से इसे मैं लिखता हूं यहां पे टोटल कॉस्ट, तो ये कर दिया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो अगर आप 2007 यूज करेंगे तो एक क्वेरी अलग से जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आराम है, ये कैलकुलेटेड पे चले जाइए और यहां पर आसानी के साथ कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी कर देंगे क्यू टी वाई, तो ये हो गया। आप इसको बंद करके और यहां से ओके कर देंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ टोटल कॉस्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये परचेज वाली टेबल है। अब यहां पर जाते हैं, इसको ओके करते हैं, तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको डालना है, जैसे मान लीजिए यहां पर आप कुछ भी नेम ऑफ प्रोडक्ट डाल सकते हैं, जो भी आप काम करते हो उस हिसाब से आप काम यहाँ पे फीडिंग कर सकते हैं अपना परचेजिंग वाला। तो जैसे मान लीजिए आप जो है काम करते हैं ग्रोसरी शॉप का, तो यहाँ पर ग्रोसरी शॉप पर क्या क्या चीजें आएंगी, तो ग्रोसरी शॉप पर हो सकता है राइस आए, तो यहाँ पे मैं एक आइटम डाल लेता हूँ बासमती राइस, ठीक है। तो ये एक आइटम हो गया और यहाँ पर इसका प्राइस जो है 180 रुपये किलो मान लीजिए है, ठीक है, और यहाँ पे 50 किलो की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट अपने आप आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे सेकंड पे आते हैं, फिर यहाँ पे टाटा संपन्न दाल, तो ये टाटा संपन्न दाल लिखा हमने और इसकी प्राइस यहाँ पर 150 रुपए किलो है मान लीजिए, और यहाँ पर 60 किलो दाल की बात हो रही है। तो यहाँ पे कॉस्ट आता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगला जो प्रोडक्ट है हमारा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, तो ये कर दिया हमने, और इसका प्राइस जो है यहां पर पैकेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो यहां पर मान लीजिए कि 70 रुपए पैकेट है, तो यहां पे ये डाल दिया, और 7 पैकेट की बात हो रही है तो 490 रुपए, ठीक है। रेड चिली पाउडर, तो ये लिखा रेड चिली पाउडर EOWDER, तो ये हो गया। अब यहां पर इसके प्राइस की बात होगी, तो यहां पर जो भी इसकी प्राइस हो वो डाल सकते हैं आप, 120 रुपए मान लीजिए यहां पे प्राइस है। अब यहां पर क्या करेंगे, 70 पैकेट मंगाए गए, तो यहां पे इस तरीके से आता चला जाएगा। तो ये तो परचेज की डिटेल हो गई, ठीक है, ये परचेज का टेबल हमने बना लिया। अब अगर आप सेल करते हैं तो सेल की भी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब परचेज से ही आप फेच कराएंगे सेल्स वाली पूरी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाकर के और यहां से आपको टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये बनेगा किसका टेबल, ये बनेगा सेल्स का टेबल। तो यहां से जाएंगे और यहां पे सेल्स टी करेंगे, ये लिखा सेल्स टी,
तो ये कर दिया सेल्स टी, हम यहां से लुकअप विजार्ड से जा सकते हैं। तो ये लुकअप विजार्ड पे आए और यहां पे आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, एक दिया है ऑप्शन और एक ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला चूज करके फिर आगे बढ़िएगा। अब यहां पर सेल्स का भी एक टेबल हमने बना रखा है जो कुछ इस तरह से बनाया है, देख सकते हैं यहां पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप रखा है और यहां पर नेम ऑफ प्रोडक्ट को हम दूसरे टेबल से फेच हमने कराया है, तो यहां पर ये इस तरीके से आया हुआ है। तो अभी यहां पे प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी है, यहां पे टोटल सेल है, तो टोटल सेल तो अपने आप आएगा, हमने कैलकुलेट कर दिया है। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर बासमती राइस को लेके आना है, ठीक है। अब यहां पर क्वांटिटी की बात करेंगे, तो जैसे ही क्वांटिटी करते हैं 4 किलो, तो यहां पे आप देखेंगे 4 किलो करने के बाद, अब चूंकि यहां पे प्राइस भी नहीं डाला है तो सेल की प्राइस तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि कितने रुपए किलो है, तो 190 रुपए किलो हम सेल कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए टोटल कॉस्ट अपने आप आती चली जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो जो है वही तो सेल करेंगे, तो टाटा संपन्न दाल है तो यहां पे ये ले लिया। अब यहां पर प्राइस की बात करेंगे तो यहां पर ये प्राइस इसको हटाते हैं और यहां पर हम कर देते हैं 210 रुपए किलो, तो ये कर दिया हमने 210 करना है यहां पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये 210 रुपए किलो कर दिया और यहां पर आने के बाद यहां पर अब जो है टोटल सेल आपको दिखाई देगा जबकि आप क्वांटिटी यहां लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक ही किलो परचेस किया तो यहां पे 210 अपने आप आ जा रहा है, देख सकते हैं। तो अब जो है दो टेबल्स हमारे पास बन गए हैं। अब इन दोनों टेबल्स में आप चाहे तो यहां पर जो है इसके लिए फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करेंगे, तो देखिए यहां क्रिएट पे जाके दो फॉर्म जैसे बनाते हैं वैसे बनाना होगा। तो यहां पे ब्लैंक फॉर्म पे आते हैं और यहां से इसे डिजाइन व्यू पे लेते हैं और डिजाइन व्यू पे लेने के बाद यहां पे आते हैं शो टेबल्स पर। तो यहां पे आपको शो टेबल्स में पहला टेबल परचेस का दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, हमें सेल्स का लेना है या परचेस का लेना है, तो हम यहां से क्या करते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट या फिर हम सीधा सेल्स का लेते हैं। तो यहां पे ये सेल्स का ले लिया, तो ये सेल्स का पहले लेंगे हम। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर यहां पे प्राइस हो गया, देन यहां पे क्या हो जाएगा क्वांटिटी हो जाएगा, और क्वांटिटी के बाद क्या हो जाएगा यहां पर टोटल सेल्स हो जाएगा। तो यहां पे टोटल सेल्स हो जाएगा और यहां पर क्या करना है, यहां पर इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं चाहे तो इस तरीके से यहां से जा करके, और फिर यहां पर आते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहां से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और यहां से इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए और यहां पर आके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, हो गया। अब जो है ये तो हमारा हो गया क्या, ये तो हमारा हो गया सेल्स का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बेहतर लुक देने के लिए यहां से इसको सेलेक्ट करके और इसको बोल्ड बना सकते हैं और इसका कलर वगैरह बदल सकते हैं। यहां से जाके इसको डार्क ब्लैक करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, और ये बैकग्राउंड भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड तो यहां से आप चेंज कर लेंगे, तो जो भी कलर आप डालना चाहे इस बैकग्राउंड में वो डाल सकते हैं। तो ये कलर डाल दिया हमने और अब इसको सेव करेंगे हम, तो होम पे जाके इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके। अब यहां से क्या करना है हमको, इसको सेव करना है, तो यहां से जाके इसको सेव कर लीजिए। तो यहां पे परचेज ऐप सेल्स ऐप है ना, तो सेल्स ऐप कर देते हैं, तो ये कर दिया सेल्स ऐप, एंटर कर दिया तो ये सेव हो जाएगा। अब एक और हमें फॉर्म बनाना है जो कि सेल्स, एक तो सेल्स के लिए बना दिया, दूसरा परचेज के लिए बनाएंगे। तो क्रिएट पे जाके फिर यहां से ब्लैंक फॉर्म पे जाके और फिर यहां पर अब डिजाइन व्यू में आकर के तब बनाए। तो यहां पे ये डिजाइन व्यू में आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहां से थोड़ा सा विड्थ बढ़ाएंगे इसकी, और अब यहां पर ये आ गया पहला, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, फिर यहां प्राइस और देन क्वांटिटी और देन टोटल, ठीक है। तो अब ये कंपैरिजन भी करने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो अभी इसका भी कलर वगैरह आप चाहे तो बदल सकते हैं, तो फिलहाल यहां पर मैं इसको भी इसी कलर का कर देता हूं, ये बैकग्राउंड, ये देखिए यहां पर आकर के और ये बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया। और अब इन सबको ऐसे क्लिक करके और यहां से इसका कलर जो है डार्क ब्लैक करेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें यहां पे जाके और व्यू पे क्लिक करना है, तो अभी देखेंगे ये परचेज वाला है, ये सेल्स वाला है, ठीक है। तो अभी सेल्स वाला खुला है, इसको परचेज एफ के नाम से सेव करता हूं, PURCHASE परचेज एफ, ये हो गया। अभी दो फॉर्म हो गए, अभी हम क्या करेंगे दोनों को क्लोज करके और नेविगेशन फॉर्म बनाएंगे। तो क्रिएट पे चल के और यहां नेविगेशन फॉर्म पे आएंगे, वर्टिकल टैप करेंगे, वर्टिकल टैप ये आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फॉर्म को उठा के यहां रखना है। तो ये पहला फॉर्म हो गया परचेज सेल्स एफ, ठीक है, और यहां पर ये दूसरा हो गया। तो यानी दो फॉर्म हमने बनाए, ठीक है। अब इसको एक बार सेव भी कर देते हैं, तो यहां पे जाकर के नेविगेशन फॉर्म के ही नाम से सेव कर देता हूं। फायदा क्या है, फायदा यह है कि जैसे ही आप यहां पर, अब जैसे ही हम यहां पे परचेज सेल्स वाले में जाते हैं तो सेल्स वाले की डिटेल खुल जाती है, और जैसे ही परचेज वाले में जाते हैं तो ये परचेज की डिटेल है, तो जो भी डिटेल आप देखना चाहें आसानी से देख सकते हैं। और यहां पर एक सीरीज बना सकते हैं, परचेज सेल्स, या आप
चार पांच दस बीस जितने चाहे उतने फॉर्म लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैं दिखा रहा हूँ, परचेस पे गए तो परचेस की डिटेल ओपन होगी, सेल्स पे जाएंगे सेल्स की डिटेल ओपन हो जाएगी। ये बड़ा इफेक्टिव है और आपको सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।